ने केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस ने कहा कि अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को गिराने की कोशिश करेगी तो कैसे केंद्र और राज्य के बीच विश्वास बढ़ेगा। कांग्रेस ने कहा कि वो संसद सत्र में कश्मीर में हिंसा और महंगाई के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगे। बारे में ऑन मेरिट वो अपना सहयोग देने वाले हैं, इसलिए ऐसे नहीं है हम केवल एक या दो पार्टियों के साथ बात कर रहे हैं, सभी पार्टियों के साथ बात करेंगे और आम सहमति बनाएंगे। देखिए, आज के सर्वदलीय बैठक में ये विषय हमने चर्चा नहीं किया, क्योंकि जो आज के संदर्भ में प्रासंगिक है ऐसे विषयों के बारे में हमने चर्चा किया है। और आज के प्रासंगिक विषय है आतंकवाद, आज के प्रासंगिक विषय है यानी भारत के जो फॉरेन पॉलिसी है उससे भारत को और भारत के अर्थव्यवस्था को जो लाभ हो रहा है, और जो इन दिनों में कई प्रदेशों में खास करके मध्य प्रदेश ऐसे कई प्रदेशों में उत्तराखंड में बाढ़ आ चुकी है, प्राकृतिक आपदा हुई है, ऐसे विषयों के बारे में चर्चा होने वाली है। मुझे लगता है यानी जो विदाई है यानी हमारे लेजिस्लेटिव बिजनेस है, GST है, इसका इस सेशन में प्रायोरिटी। सर, Mr. Nilesh Agrawal says we must give a solemn assurance about the 18%. Even if it is not there in the constitution, are you all ready to look at that option? Because he says that why are you only just talking to the Congress? We have objections on 18%. Let it be as part of a solemn assurance, even if it is not a constitutional amendment. माननीय प्रधानमंत्री जी में का और इस BJP सरकार का दृष्टिकोण साफ न हो, जब तक केंद्रीय सरकार और जो विपक्षी पार्टियों की सरकारें राज्यों में हो, जब तक उनका एक दूसरे पे विश्वास नहीं। किस तरह से मैंने उनका उल्लेख किया कि किस तरह से केंद्रीय सरकार ने अपने गवर्नरों को इस्तेमाल किया, एक बार नहीं कई कई बार एक ही सरकार गिराने के लिए, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश की सरकार हो, जितने पैंतरे थे वो तमाम इस्तेमाल किए। अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज पेमा खांडू ने शपथ ली। उनके अलावा चोबना मेन ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर पूर्व सीएम नवाब मुतुकी भी मौजूद थे। पार्टी के बागी विधायकों को वापस लाने के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बागियों में से एक पेमा खांडू को विधायक दल का नया नेता चुना गया था। इसके साथ ही 30 में से 24 बागी विधायक कांग्रेस में वापस आ गए। पेमा खांडू ने शनिवार को राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया था। 6 महीने की राजनीतिक उथल पुथल के बीच अरुणाचल प्रदेश में एक स्थिर सरकार बन गई है। राज्यपाल के पद को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद विवाद शुरू हो गया है। शनिवार को इंटरस्टेट काउंसिलिंग की बैठक में नीतीश कुमार ने पूंछी आयोग के प्रावधानों की चर्चा करते हुए कहा कि मौजूदा संघीय ढांचे में राज्यपाल पद की कोई जरूरत ही नहीं रह गई है। नीतीश ने कहा कि अगर इसके बाद भी इसे बरकरार रखा जाता है तो राज्यपालों की नियुक्ति या उन्हें हटाने के प्रावधान और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री की राय भी ली जानी चाहिए। नीतीश कुमार की मांग का पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्यपालों की नियुक्ति में राज्यों की राय जरूरी है। हाँ, नीतीश जी उसको बोला राज्यपाल पद नहीं रखना चाहिए। इंटरस्टेट काउंसिल को प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि अब किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक वहाँ की विधानसभा के अंदर वो सरकार की मेजॉरिटी गिर ना जाए।
नीतीश कुमार के इस बयान के बाद राज्यपाल के पद को लेकर फिर बहस शुरू हो गई है, जहां कुछ नेता नीतीश का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ नेताओं का कहना है कि राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच विवाद को बेहतर तरीके से सुलझाने की कोशिश भी होनी चाहिए। राज्यपाल के पद को खत्म करना समस्या का समाधान नहीं है। मैं समझता हूँ नीतीश जी ने सही सुझाव दिया है कि इसके लिए राज्यपालों का दुरुपयोग होता है, इसलिए उनका ये सुझाव सही है कि राज्य में जब राज्यपाल का की बहाली हो तो उसमें राज्य सरकार जो चुनी हुई सरकार है जनता के द्वारा उसको विश्वास में लिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की तर्ज पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब सीधे लोगों से जुड़ रहे हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम को टॉक टू ए के नाम दिया है। केजरीवाल की इस पहल पर कांग्रेस और बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा जिस तरह से केजरीवाल ने झूठे वादे किए थे उसे पूरा करने के लिए बाद अपनी इमेज बचाने के लिए ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इसे प्रायोजित कार्यक्रम बताया है। देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय ने क्लेम किया है कि हमको हजारों प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं और उसमें से हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, यानी कि ये तो प्रायोजित कार्यक्रम होगा, ये स्पॉन्टेनियस तो नहीं हुआ कि मौके पे सीधा लोगों का सवाल पूछा जा सके। अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं या पिक एंड चूज कर रहे हैं तो फिर तो ये एक प्रायोजित कार्यक्रम बनकर रह जाएगा। इसके आगे मैं नहीं समझता कि सही प्रश्न जो लोग पूछना चाहते हैं उसके जवाब जनता तक पहुँच पाएंगे। कर्फ्यू लगा हुआ है। हिंसक प्रदर्शन में अब तक 39 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सुरक्षा बलों समेत 3500 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। शनिवार को कुपवाड़ा के हथौला इलाके में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पोस्ट पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने साथ झड़प हुई और एक आदमी की मौत हो गई, जबकि दो लोग इसमें घायल हुए हैं। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए श्रीनगर समेत दूसरे इलाकों में चाक चौबंद सुरक्षा की गई है। भारी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा भी जारी है। यूपी के एटा में जहरीली शराब पीकर मरने वालों का आंकड़ा 21 तक पहुंच गया है। अभी और भी कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। इस मामले में एसडीएम और जिला आबकारी अधिकारी सहित 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। शराब बेचने वाला मुख्य आरोपी श्रीपाल लोध को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर मजिस्ट्रेट पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि शुक्रवार शाम को इन सभी लोगों ने गांव में बिकने वाली कच्ची शराब पी ली थी, जिसके बाद उन्हें उल्टी दस्त शुरू हुई। हालत बिगड़ते देखकर सभी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान 21 लोगों की मौत हो गई। वहां पर जिस तरह का शराब का लोग अवैध धंधा करने लगते हैं तो कुछ लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता, वो दुखद है। सरकार काम कर रही है, उस पर एक्शन कर रही है, जांच हो रही है। जो जो जिम्मेदार इसके लिए अधिकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। वहाँ हमारे मोहल्ले में कच्ची शराब बिकती है, वहाँ पर करीबन 2-2500 थैलियाँ रोज दिल्ली की सप्लाई है और ऐसे समझ लीजिए ऐसे बिक रही है जैसे कि ठेके पे बेचते हैं करके, इस तरीके से वहाँ शराब बिकती है। और थाने के सामने ही समझ लो कोठरी बनी हुई है, अगर थाने से आप देखोगे सामने साफ दिखेगी। हमारे भाई ने शराब पी थी, उसको जो जहरीली शराब थी उसको नुकसान कर गया, वहाँ से अलीगंज से रेफर कर दिया यहाँ के लिए। कितने लोगों ने शराब पी थी? इस वक्त तो समझ लो करीबन इसके अंदर अभी 16-17 जने हैं यहाँ पर जो पीते थे। वो तो कल पी के जैसे बता रहे बेटा बता रहे सही तरीका की थी, अलीगंज तो 100-150 आदमी खत्म हो चुके। कल दिन भर नींद में ही रहे। नींद में रहे फिर कोई आंखों से धुंधला वगैरह दिख रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, नींद ही सी लगी रही। नींद जैसी लग रही है। एटा में शराब से 21 लोगों की मौत के बाद अब इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि यूपी सरकार अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने में नाकाम रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है।
निर्दोष जाने जाती हैं, गरीब मारा जाता है, जब मर जाता है तो शोरगुल होता है और फिर 15 दिन बाद वही पुराना रवैया शुरू हो जाता है। आखिर ये जिलाधिकारी, SSP, ये थानेदार, ये CO, ये करते क्या है? अभी आप अपने घर में एक थोड़ा सा छज्जा डालने लगिए, सारे लोग पहुंच जाते हैं कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हो। खुलेआम शराब बन रही है, बिक रही है, ये नजर नहीं आती? इंसान की जान बहुत सस्ती हो गई है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है और लगातार मैं कह रही हूँ ये बढ़ता चला जा रहा है पिछले 10-15 सालों से और ये खतरनाक बात है और मैं तो इसको पूरी तरह से भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कमजोरी को इसका जिम्मेदार मानती हूँ। कार्रवाई काफी मुख्यमंत्री जी ने करी है और बाकी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो प्रक्रिया सरकारी है, वो प्रक्रिया चल रही है। मैं समझता हूँ सरकार और भी कड़ी कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि भूस्खलन की वजह से पहाड़ से चट्टानों के गिरने के चलते बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग सहित कई जिलों में अगले 24 घंटे में बहुत बारिश होने की संभावना है। यहां मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ आने, बादल फटने और भूस्खलन की आशंका भी जताई जा रही है। इसके मद्देनजर लोगों को चौकस रहने को कहा गया है। भारी बारिश की वजह से हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसको देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अलकनंदा नदी भी खतरे के निशान पर है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद लोग डरे सहमे हैं। आसमानी आफत से कहीं लोगों का घर डूब रहा है तो कहीं पर स्कूल और मंदिर डूबने की कगार पर हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की सलाह दी जा रही है। खतरा तो चारों तरफ से खतरा ही खतरा, पर खतरा क्या है, सारे मकान, दुकान, प्राचीन मंदिर है, मंदिर सब डूबने लगे, डूबने लगे क्या, डूब गया सब, पूरा शासन प्रशासन 2 दिन से ही पड़ा हुआ है। कहते हैं हटाओ यहाँ से, हटाओ, हटाएंगे लेकिन जाएंगे कहाँ। कटाव तो बहुत ज्यादा है, आप देख रहे हैं नदी का जो बहाव है काफी है और यहाँ पर जो है नेशनल हाईवे को सबसे ज्यादा खतरा है। इसका तो निस्तारण सरकार ने करनी है, जीविके ने करनी है और ये प्रशासन ने सबने मिलकर के तय करना। देखिए उत्तराखंड में लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है, पूरे उत्तराखंड की बात तो नहीं करें लेकिन यहाँ जो श्रीनगर डैम जो बना है उसके जो नज़दीक के जितने भी जैसे हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर की बात करें, हनुमान मंदिर पूरा डूबने की जद में है और उसको खतरा बना हुआ है लगातार। अभी यहाँ पे सारे अगल बगल के गांव के लोग स्थित हैं यहाँ पे और मंदिर को लगातार खतरा बना हुआ है। और अगर मैं एनएच की बात करूँ तो NH भी खतरे की जद में है। NH के नीचे पूरा पानी जा रहा है और उसके ऊपर से चट्टान टूटने के डर, नीचे से पानी जाने के डर है। तो मुझे ये लगता है कि 1-2 दिन में अगर ऐसी बारिश रही तो NH भी टूट जाएगा। हरिद्वार में पिछले 36 घंटों से बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। पतंजलि योगपीठ के पास भी पानी भर गया है। कनखल के पास बैरागी कैंप को जोड़ने वाला पुल भी बह गया है। कुछ ऐसे ही हालात रुड़की के भी हैं। यहाँ भी लगातार बारिश की वजह से रुड़की हरिद्वार हाईवे पर पानी भर गया है जिसके चलते उसे बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश अब बड़े सड़क हादसों की वजह भी बन रही है। उत्तराखंड के श्रीनगर में एक कार 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा NH 119 पर हुआ है। श्रीनगर मेरठ हाईवे के खंडहा के पास एक कार 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई। लगातार हो रही बारिश के बीच सेना की मदद से 3 लोगों को खाई से बाहर निकाला गया। ये यहाँ पे जो है लगभग 250 मीटर नीचे गहरी खाई में ये कार, वैगनार कार गिरी है। इसमें 6 लोग सवार होना पाया गया है। इसमें 3 लोग घायल हैं जिनको हॉस्पिटल भेजा गया है और 3 जो मृतक हैं उनको जो है रेस्क्यू करके ऊपर रोड में ले जाया जा रहा है। आ रही थी वैगनार गाड़ी नजीबाबाद से, मैं श्रीनगर के लिए आ रही थी। तो यहाँ पे इस स्पॉट पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे ये
करीब 200 मीटर नीचे आए हैं, वहाँ पे नीचे चली गई गाड़ी। इसमें 300 डेथ हो चुकी है और 3 ऐसे जो घायल हुए हैं, हालत गंभीर है उनकी, वहाँ पे इलाज शुरू भी हो गया। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में गंगा के जलस्तर पर भी दिखने लगा है। यूपी के गाजीपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। गंगा के रौद्र रूप से निपटने के लिए प्रशासन हाई अलर्ट पर है ताकि समय रहते बाढ़ की स्थिति से निपटा जा सके। साथ ही सभी संबंधित विभागों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम को बुलाकर जिला प्रशासन ने पिछले साल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले मल्लाहों, ग्राम प्रधान, सचिव समेत लेखपालों को आपात स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग भी दी है। गंगा किनारे के गांव जहां बाढ़ की आशंका रहती है, वहां के मल्लाह, वहां के प्रधान, सचिव, लेखपाल, इन सबका बढ़िया से ट्रेनिंग कराया है, 2 बार ट्रेनिंग कराया, और हमने एनडीआरएफ की टीम से उनका ट्रेनिंग कराया है। हमने शिफ्ट करने के लिए बाढ़ राहत केंद्र बनाए हैं और सारे लोगों को सूचना दिया है कि उनके एरिया का बाढ़ राहत केंद्र कहाँ है और वहाँ जो आवश्यक व्यवस्था है, राशन की है, केरोसिन की है, मेडिकल की है, वो सारी हम व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेंगे। यूपी के चित्रकूट में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी पूरे उफान पर है। नदी के किनारे बने लॉज और आश्रम में लबालब पानी भर गया है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को रोजमर्रा के सामान लेने में भी पानी में तैर कर दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। ये संभवतः 2003 के बाद ये बाढ़ आई है और ये तीसरी बार आ गई इस सीजन में, और क्षतिपूर्ति की जहां बात है तो रामघाट की जो सामने दिख रही है मेरे पीछे, लगभग दुकानें डूब चुकी हैं। शासन प्रशासन की ओर से उन्होंने अपना कुछ अभियान चला के व्यवस्था की थी, परंतु वो नाकाफी है और लोगों की मदद नहीं हो पा रही है। यहाँ तो बहुत दुकानदारों को नुकसान हुआ है, एक लोग सारी दुकान 100-150 दुकान लगभग लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ है। यूपी में लखीमपुर खीरी के किसानों की मुसीबत कम होती नहीं दिख रही है। एक तरफ घाघरा नदी का कहर तो दूसरी तरफ बैंकों का किसानों को नोटिस। किसानों पर बैंक के कर्ज अदायगी का पहाड़ टूट पड़ा है और कर्ज वसूलने के लिए बैंकों ने लखीमपुर खीरी के किसानों को नोटिस भेजकर उनकी मुसीबत और बढ़ा दी है। बैंक की तरफ से भेजे इस नोटिस पर कटान पीड़ित किसान आक्रोशित हैं, जिसे धौरहरा के लालहा पुरवा इलाके के किसानों में साफ देखा जा रहा है। वहीं हालात काबू में करने के लिए फिलहाल जिलाधिकारियों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। इस गांव में इकट्ठे हुए कम से कम 35 गांव कट गए हुए हैं, 36 गांव हैं, इतने हम लोग कटते रही है। और कर्जा जो है जो तो उनके लिए बहुत तंग किए हैं सब, समझो। और अब जगह बसर के लिए नहीं है, और ये जो मकान है और ये कट गए हैं जो, तो ये अब या तो इनका घर कट गया तो हम अपने अब जगह में है बनवान है, इनका मकान कट गया है, इनका ये कहो को कोई भरपाई नहीं पाई है, ना चिक पाई है, ना कोई बात है। और हमारे यहाँ लालापुर गाँव जो बंधरा है तो बहुत तंग है, विशेष यू जान लो कि सब लंघन के हैं, कैसे लड़कन घर जो हैं और कैसे कर्जा दें और कैसे क्या करें। यहाँ नदी में पड़े हैं लड़के बच्चे, इनके सब खतरा है, यहाँ कैसे अपना बच्चे जिलावें, इनका कर्जा इनके पर है, वो नोटिस आ रही है जो है बैंक से कि वो बेचारे कर्जा दें कि अपने बच्चे को देखें कि यहाँ कैसे आप मतलब उनकी समस्या हल हो। इसको से वसूली के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये मैं एलियम को बात करूंगा, उनसे उनको निर्देशित करूंगा कि किसी भी किसान को उत्पीड़ित वसूली है तो उत्पीड़ित नहीं किया जाएगा। दिल्ली की सड़कों से एक स्तन करने वाला वीडियो सामने आया है। ये वीडियो बीती रात दिल्ली के इंडिया गेट का है, जहां बाइकर्स का हुजूम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाता दिखा, बीच सड़क पर स्टंट करता हुआ दिख रहा है। इस बाइकर्स को ना तो ट्रैफिक नियमों की परवाह है और ना ही अपनी जान का डर है। इंडिया गेट दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन में एक बेहद व्यस्त इलाका है, ऐसे में बाइकर्स का ये स्टंट ना सिर्फ उनके लिए बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों के लिए खतरे का सबब हो सकता था। हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी भी सड़क पर हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन ना तो पुलिस वीडियो में कोई पुलिस वाला इन बाइकर्स को रोकने की कोशिश करता दिख रहा है और ना ही इन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई हुई। बैंक यूनियन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन यानी कि AIBEA ने
7,000 विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम को सार्वजनिक करने की धमकी दी है। इन पर बैंकों का करीब 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। यूनियन ने इन लोगों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की भी मांग की है। बैंक यूनियन का आरोप है कि इन लोगों ने जिस काम के लिए लोन लिया था उस काम को नहीं दिया और पैसे को दूसरी जगह डेबिट किया। बैंक यूनियन का कहना है कि लिस्ट में बड़े कॉर्पोरेटर शामिल हैं। यूनियन का आरोप ये भी है कि सरकार डिफॉल्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा है। बैंक यूनियन को 29 जुलाई को एक दिन के लिए हड़ताल की धमकी भी दी गई है। यूनियन का कहना है कि बैंक रिफॉर्म के नाम पर लोगों से धोखा हो रहा है। इंडियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह की जीत का सिलसिला जारी है। विजेंद्र ने ऑस्ट्रेलिया के कैरी होप को हराया है। मुकाबला दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हुआ और ये विजेंद्र की लगातार 7वीं जीत है। इस जीत के साथ विजेंद्र को WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट का खिताब जीत लिया है। इस मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में सियासी, खेल और फिल्म जगत की हस्तियां पहुंची थी, जिसमें वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, युवराज सिंह, बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया, रणदीप हुड्डा, केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल, राहुल गांधी, IPL चेयरमैन राजीव शुक्ला, पूर्व ओलंपिक चैंपियन मुक्केबाजी MC मैरीकॉम शामिल थे। मोहम्मद अली को डेडिकेट करना चाहूंगा, बिकॉज ही इज द लेजेंड जो पास्ट अवे इन लास्ट मंथ, सो आई डेडिकेट दिस टाइटल टू मोहम्मद अली। दीपाली सिंह इज किंग और फाइनली हमने टाइटल जीत लिया, तो बहुत खुश हैं, सबने बहुत चेयर किया मेरे लिए, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन और इट्स ऑल अबाउट माई नेशन, माई कंट्री, माई इंडिया। सो बिकॉज इट्स अ फर्स्ट स्टार्ट, इट्स अ बिगनिंग एंड इट्स ऑल अबाउट माई नेशन, दैट्स इट। रियो ओलंपिक में भारत के हौसला अफजाई के लिए ग्रेट रन का आयोजन किया गया। 100 से ज्यादा खिलाड़ी पहली बार भारत की ओर से ओलंपिक में जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए दिल्ली में इंडिया गेट के पास ग्रेट पर यह आयोजन किया गया। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी उत्साह बढ़ाया और देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल लाने की उम्मीद भी जताई। बहुत अच्छी बात है और इस बार रियो ओलंपिक्स में मैं मानता हूँ कि भारत का जो सबसे बड़े दल पहली बार इतने बड़े 100 से ऊपर जा रहे हैं, अच्छा नंबर में मेडल जीत के लाएगा ये उम्मीद है। पाकिस्तानी मॉडल कंदील बलोच के भाई ने सम्मान के लिए अपनी बहन की हत्या की है। कंदील के भाई वसीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वसीम ने स्वीकार किया है कि उसने ऑनर किलिंग के लिए कंदील की हत्या की है। कंदील के पिता अजीम ने अपने दोनों बेटों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवाई है। गिरफ्तार होने के बाद कंदील के भाई वसीम ने कहा कि बहन की वजह से परिवार को बेइज्जती हो रही थी।